बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत नाना ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्ला के बारे में सुहैल साहब ने जो कुछ फरमाया उसमें ये बात जाहिर हुई कि तकरीर में इस बात पर ज़्यादा मुतवज्जह किया गया है कि ख़वातीन के अंदर भी उसी तरह रूहानी सलाहियत मौजूद है और वो रूहानी उलूम से वाकिफ़ होने के लिए अगर जद्दोजहद और कोशिश करें तो उनकी सलाहियतें बेदार हो जाती हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि मर्दों या ख़वातीन सब के अंदर वो रूह काम कर रही है। जिस्मानी तौर पर हमारे अंदर जो हरकत है वो हरकत का अगर हम तज्ज़िया करें और ये सोचें कि ये हरकत का मैकेनिज़्म क्या है, उस मैकेनिज़्म के बारे में जब तफक्कुर किया जाता है तो इस बात से फर्द वाहिद इनकार नहीं कर सकता। अक्ल व शऊर की बुनियाद गैब के ऊपर है। कोई आदमी जब तक अपने अंदर में उस मैकेनिज्म को इस्तेमाल नहीं करता तो वो गूंगा और बहरा होता है। अगर आदमी के कान नहीं सुनते तो वो बोल भी नहीं सकता, अगर वो बोलने वाला नहीं है तो बहरा भी होता। सवाल ये है कि जब हम जिंदगी के नशेब फराज, जिंदगी के मामलात और जिंदगी के तमाम तस्वुरात पर तफक्कुर करते हैं तो हमें एक बात पर ठहरना पड़ता है, लाजिम है कि ये बोलचाल का सिस्टम क्या है। बोलचाल का सिस्टम पर जब हम गौर और फिक्र करते हैं तो पहले हमारे दिमाग के अंदर लहरों के जरिए हमारे ख्यालात की तस्वीरें बनती हैं। अगर दिमाग के अंदर लहरों के जरिए तस्वीरें ना बने तो हम गूंगे, बहरे, अंधे, काने होंगे। क्यों कि जब तक जिंदगी का फार्मूला मुतहर्रिक नहीं होगा उस वक्त तक हम डेड बॉडी हैं। क्या आप रेडियो सुनते हैं, मोबाइल सुनते हैं? अगर मोबाइल का और रेडियो का जो सिस्टम है, दाखिल की निज़ाम है, स्टेशन से बंद हो जाए तो रेडियो का काम का नहीं है, ना आपका मोबाइल काम का है। और किसी भी तरह आप जो लहरों के जरिए जो कुछ भी आसमाने और बीच जमीन के बीच के दरमियान लासिल की निज़ाम जिसे कहते हैं वो कायम है, अगर वो ना हो तब भी आवाज होता बोलेंगे। तो देखिए, सोचने की बात यह है कि हम जब पैदा होते हैं तो 3 महीने तक तो हमारे अंदर रूह ही नहीं आती। 3 साढ़े 3 महीने के बाद रूह आती। और ये भी और गजब है कि 3 महीने या लगभग कमोबेश बच्चा सुनता नहीं है, अगर सुनता है तो उसने माने नहीं पहना सकता। मुझे याद है कि भाईजान जब छोटा था तो मेरे पास लेटा हुआ था गोद पे, तो मैंने अखबार का सफ़ा पलटा तो उसमें आवाज हुई, तो ये इतना घबरा गया, कोई जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा? अब लोगों के जहन में ये बात आती है, एक बच्चा छोटा अखबार की आवाज से डर गया, रोने लगा। फिर मैंने गोद में लिया, प्यार किया। तो मकसद ये है कि क्यों डर गया? बड़ा आदमी क्यों नहीं डरता? बड़ा आदमी तो तोप के उसके तोप की आवाज से भी नहीं डरता। अखबार इस तरफ तवज्जो करें कि 3 महीने 10 दिन तक, ये 3 महीने तक बच्चा सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, माँ की खुशबू से माँ को पहचानता। अब ये बात बहुत और तलब है कि 3 महीने तो बच्चा बोलता क्यों नहीं है, पहचानता क्यों नहीं है? अगर पहचानता है तो जो बड़े उसको प्यार करते हैं, सगाते हैं, गोद में लेते हैं, उनसे वो मानूस होकर उनको समझता नहीं है ये अब्बा है, ये कौन है, ये कौन है, खुशबू से पहचानते। अगर प्यार है तो प्यार की खुशबू को भी जानता है, अगर प्यार नहीं है, गुस्सा है, उसको भी समझता है। आप जोर से बोले बच्चा रोएगा, क्यों रोएगा? क्या वो समझ रहा है कि आपने उसे डांटा? मैकेनिज्म में क्या ऐसी बात है कि 3 महीने तक बच्चा क्यों नहीं सुनता, और सुनता है तो डरता क्यों है? डरता इसलिए है जो कुछ आप बोल रहे हैं उसकी तस्वीर दिमाग के अंदर नहीं बनती। दूसरी बात, आप अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पानी का तस्वुर करें तो पानी पीना है, आंखें बंद कर लें, तस्वुर करें, या गिलास में पानी, जग में पानी, या वैसे भी पानी, क्या पानी की तस्वीर आपके जहन में बनी? पानी की, जब हमने कहा कि मैं पानी पीऊंगा तो आंखें बंद होकर पानी की तस्वीर, गिलास में, लोटे में, दरिया में पानी की तस्वीर बनी या नहीं बनी? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है, ये इसकी हैसियत हिलाजत, टीचर और इंतशार के अलावा कुछ नहीं। अब आदमी मर गया, आंखें भी हैं, मुंह भी है, हाथ पैर भी हैं, आप उसके हाथ काट दीजिए, टांगे तोड़ दीजिए, क्या होगा भाई? जोर से बोलो। कोई मुदाफियत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मजहब के एतबार से कुछ लोग लाश को जला देते हैं, वो तो किसी ने नहीं कहा कि हमें क्यों जला रहे हो भाई, ठीक है। कुछ लोग चील कौवों को खिला देते हैं, उसने तो कभी ये तो जाए क्या भाई मुझे चील कौवों को तू भाई जमीन में दबा देते हैं, उसने तो नहीं कहा कि मुझे यहाँ एक गड्ढे में क्यों दबा के जा रहे हो। तो अब हमारे सामने 2 बात, एक बात ये है कि हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, टांगे हमारी घूमती हैं, दिमाग के अंदर हमारे तस्वुर बनता है। मसलन अगर आपको भूख लगी है आप ये इनकार नहीं कर सकते कि भूख की तस्वीर एक बनती है, रोटी की तस्वीर बनती है, खाने की तस्वीर बनती है। अगर ये तस्वीर न बने कोई आदमी खाना नहीं खा सकेगा, मर जाएगा। ये एक आयना है, आयना। अगर उसके पीछे सिंदूर मला हुआ है तो आपको उसमें शक्ल नजर आती है। शक्ल कैसे नजर आती है? सीधी उठी आईने में आपको तस्वीर कैसे नजर आती? उल्टी है, सीधी है? है? उल्टी नजर आती। यानी आपने यूं देखा ना, क्यों उल्टी तस्वीर बनती? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इसका जवाब है। इसमें जवाब यह है कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपका चेहरा जब आईने के अंदर जाता है तो वहां से उलट हो जाता है। जब आप यूं देख रहे हैं तो अंदर नजर आना चाहिए ना, ये एक बात। दूसरी बात यह है जब देह आपको प्यास लगती है, आपके दिमाग में पानी की तस्वीर बनती है और पानी की तस्वीर आपके होंठ खुश कर देती है, जुबान बाहर आ जाती है। जब तक आप पानी नहीं पिएंगे वो तस्वीर वहां से गायब नहीं होगी। अगर आप पानी पी लेंगे तो शराबी हो जाएगी और वहां से तस्वीर मिट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरी जो कायनात है जिसको इल्यूजन हम कहते हैं रूहानी लोग, वो हम कहाँ देख रहे हैं? तस्वीर उल्टी क्यों नजर आ रही है? क्यों नजर आ रही है? इसके मतलब ये कि ये दुनिया इल्यूजन है, इसको करार नहीं है। जो चीज इस जमीन पर पैदा होगी तो जमीन उसे छोड़ती नहीं, वापस ले लेती है। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जमीन से निकलते, जमीन में दफन हो जाते। अब आपने लाश दबा दी, देख अब एक महीने के बाद देखें मां लाश नहीं होगी, कहाँ गई? उसको आप इसारे सबाब करते हैं, वो आपके ख्वाब में नजर आता है। क्यों? क्यों? आप कहाँ देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? किससे बातें कर रहे हैं? वो जब रोता है, परेशान होता है, तो आप ये समझते हैं कि इसको मदद की जरूरत है। उसको इशारे सबाब करते हैं, फिर उसको खुश देखते हैं। ये क्या, ये जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी अलग है। और जब आप कहते हैं अलग अलग नहीं है, तो ये फिजिकल बॉडी कहाँ गया? मिट्टी के जर्रात में जब तब्दील हो गया तो कहाँ गया? बच्चा होता है, एक बालिश कुशुंगल का होता है और जनाब 6 फुट का हो जाता है। हमें नजर आता है 6 फुट का होना, उसका बढ़ना बढ़ना करना नजर आता है, तो बड़ा हो जाता है। दूसरी बात यह कि एक दिन का बच्चा 2 दिन का होता, एक दिन कहाँ गया? 10 दिन का हुआ बच्चा, 11वें दिन जब वो हुआ तो 10 दिन कहाँ गए? अगर आप कहते हैं जी यूं गया, गैब में गए, ठीक है। अगर गैब में गए तो आपकी जिंदगी गैब के अलावा क्या हुई? अब कहाँ से आए? गैब से आए। रोज कहाँ जा रहे हैं? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय। हर रोज आदमी पैदा होता है, हर रोज आदमी मरता है। जो चीज गायब हो गई उसको मरना कहते हैं। फिर आप कहाँ से आए और मरने के बाद कहाँ गए? फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज आ रही है, हर चीज पलट रही है, हर चीज पैदा हो रही है और हर आदमी हर आदमी रोज मर रहा है, यानी रोज गायब हो रहा है। 10 दिन के जब आप हुए तो और 11 दिन की जब हो गए तो 10 दिन क्या गायब नहीं हो? आपकी जिंदगी क्या है? अच्छा, गैब से आए, गैब में रोज जा रहे, गैब से रोज वापस आ रहे और एक दिन गैब में चले जाते, इन मर जाते। मरने के बाद आपका जो जिस्म है वहां मिट्टी के ज़रात के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब मिट्टी के ज़रात के अलावा कुछ नहीं मिलता तो ख्वाब में आप किसको देखते हैं? ख्वाब में जब आप अपने किसी दोस्त को, जीस को परेशान देखते हैं तो इशारे सबाब करते हैं। दूसरे तीसरे दिन आप देख लेते हैं वो बहुत खुश है आपसे। मैंने एक दफे ये देखा कि आराफ में मैं हूं तो वहां एक डिब्बा पड़ा हुआ है, उसमें लिखा था अब्दुल हनान स्वीप। तो मैंने देखा ये अब्दुल हनान यहाँ कहाँ से आ गया? तो जो गाइड थे मुझे उन्होंने कहा नहीं, बात ये नहीं है, ये जो खातून है इन्हें अब्दुल हनान की मिठाई पसंद थी, तो इनके अजीजों ने, रिश्तेदारों ने अब्दुल हनान के यहाँ से मिठाई खरीद के इशारे से हुआ किया। क्या समझे आप उससे? आदमी मर गया, मर गया, फिर किसको देखते हैं आप? असल आदमी को देखते हैं। फिर अब एक कानून है, कोई आदमी अगर चोरी करेगा तो उसका ज़मीर मलामत करेगा, यह मलामत करना सजा है। कोई आदमी गुस्सा करेगा, उसका ज़मीर उससे मलामत करेगा, गलत काम किया है, अल्लाह ने पसंद नहीं करते गुस्से को। काज़िमीन अल-ग़ैज़ वआफ़ीन अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्सा खाते हैं, काज़िमीन अल-ग़ैज़, काज़िमीना खाना, ग़ैज़ माने गुस्सा, वआफ़ीना और माफ कर देते हैं, अनिन-नास अपने बहन भाइयों को, लोगों को, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन ऐसे लोगों से, ऐसे बेहसान करने वाले लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। और इसका उलट क्या होगा? जो लोग गुस्सा करते हैं वो मोहसिन नहीं है। अल्लाह ताला के जो इनाम व इकरामात है उस नफी हो जाती है उसकी। एक गुस्सा इस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखते। लंबी थी लेकिन मैंने कोशिश की कि मुख्तसर बयान करूं। अब एक बात बस आपको सोचनी है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे जिस्म को डेड बॉडी क्यों कहते हैं? कौन सी चीज निकल गई? उसका सीधा से वक्त आदमी रूह निकल गई, ठीक है। अब रूह कहीं गई होगी तो मरने के बाद आप इसको इशारे से वापस करते हैं। किताबुल मरकुम, ये शदुल मुकर्रम, जो कुछ आप कर रहे हैं उसको लिखा खत्म। दो फरिश्ते हैं, किधर। अब अगर आप यहाँ कोई बुरा काम करते हैं तो आपका ज़मीर मुलामत करता है। ज़मीर कहाँ है? ज़मीर तो नहीं मरता ना, वो कहाँ है? कहाँ है? अब वहां आपको भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा। वहां जरा का माइलिन माजरा सिजीन किताबुल मरकुम, हर आदमी के ऊपर 2 फरिश्ते बैठेंगे, एक इस कंधे पे, एक इस कंधे। कह रहा हूं ना कि रामन कादरीन का नाम सुना होगा ना, सब जानते। दो खत्म कर रहा हूँ। 2 आदमी हैं, जा रहे हैं। एक आदमी मस्जिद जा रहे, दूसरा आदमी सिनेमा जा रहा है। तो सिनेमा जाने वाला कहता है यार बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई। मैं कहा भाई मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। उनका नहीं यार बहुत अच्छी। और वो उसके बहुत अच्छी कहने में उसके साथ सिनेमा जाके बैठ जाता है। अब हम कहेंगे कि हम गए। इंस्पायर किसने किया कि सिनेमा चले जाओ मस्जिद छोड़ दो? बताओ भाई बताओ, शैतान ने। तो जब हम कोई बुराई करते हैं तो क्या हम शैतान के हुक्म की पैरवी नहीं करते? उमाजरा का माइलीन, उमाजरा का मासिद्दीन, किताबुल मरकुम, यशहदुहुल मुकर्रबून। जो कुछ आप करते हैं, मैं करता हूँ, आप जैद करता है, बकर करता है, बूढ़ा करता है, जवान करता है, हर बालिग आदमी करता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उसको लिखा जाता है। लिखी हुई किताब किताबुल मरकूम। हर आदमी के कंधों पर दो फरिश्ते बैठे हैं, एक नेकी लिख रहा है, एक बुराई लिख रहा है। नेकी वाला जन्नत का नजारा पेश करता है, लिख लेता है जन्नती, और बुराई वाला जो नमाज नहीं पढ़ता क्या लिखेगा भाई कि नमाज इसने नहीं पढ़ी तो शैतान का दोस्त है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियां अता फरमाए और इस आयत को कभी ना भूलना। पूरी जिंदगी आपकी रिकॉर्ड है, किताबुल मरकूम, लिखी हुई किताब। लिखी हुई किताब के दो रुख हैं, दो वर्क हैं। एक वर्क पे नेकी लिखी जा रही है और एक वर्क पर बुराई लिखी। अब ये आपका काम है, मेरा काम है, सबका काम है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे रिकॉर्ड में क्या लिखा जा रहा है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, रेडियो सुनते रहते हैं, क्या लिखा जाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। बहुत दिन के बाद मैंने आप सबको देखा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ अच्छी उम्र अता फरमाए, अच्छे सिरात मुस्तकीम पर चलने की और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बात ये नहीं है, ये बात मैं फिर आपसे दोहराता हूँ कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अब आप यहाँ वो लगा दीजिए कैमरा, आप जो कुछ करेंगे रिकॉर्ड हो रहा है। तो वहां तो फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, बुराई का और अच्छाई का। तो आप हर आदमी को मरना है, मरना है। मरने का मतलब है कि आदमी जाए नहीं हुआ, मरने का मतलब यह अमर हो गया, अब मौत नहीं आई। अब जो कुछ यहाँ किया है बुराई अच्छाई, उसके हिसाब के मुताबिक सवाब अजाब का सारा अल्लाह मियां ने कानून बनाया हुआ है। और अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर बुराई हो जाए तो उसका फिर एक तरीका है कि अल्लाह के हुजूर पाक के वसीले से दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करें, तौबा करें, या अल्लाह वहाँ मुझसे गुनाह हो गया, खता हो गया, मैं माफ़ कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम 1,00,000 मरतबा तौबा तोड़ो फिर मेरे पास आ जाओ, मैं माफ़ करूँ। अल्लाह 70 मांग से ज़्यादा माफ़ है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। जिसमें आप तशरीफ लाए, आपकी मेरी सबकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और हमेशा हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। नेकी हो जाए तो सुभान अल्लाह, बदी हो जाए फौरन झुक जाओ अल्लाह का, माफ़ करो अल्लाह ने, माफ़ माफ करते 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 बुराई से आपको नफरत हो जाएगी। आप बदबू में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर बदबुओं में मुस्तकिल हैं तो आपको बदबू खुशबू लगती, ऐसा है नहीं? तो भाई आप थोड़ा सम्मान करें, आहिस्ता आहिस्ता, और कोशिश करें कि आपसे गुनाह ना हो। अगर गुनाह हो माफी मांग। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे और हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए प्रोग्राम यानी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, अच्छी नसीहत अता फरमाए, अच्छी सेहत अता फरमाए और अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और अपने मुल्क से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।